हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ और आज है हमारा छठा रोज़ा। और रोज़े में आपको पता है बस ये सब चीज़ सोचते हैं क्या बनाना है, क्या कुछ नया करना है, तो इसलिए मैं सोचा चलिए आज हम बनाते हैं मूंग दल के भरे पकौड़ी बोलते हैं शायद। खाने मैंने कीमा आलू मटर बनाया था, सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। हरे धनिया पुदीने की चटनी भी बनाई थी साथ में, भी आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ कोई भी रेसिपी अगर पसंद आई हो और आपको रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अगली बार आपके साथ अपने खाने में से जो भी आपको मेरा खाना पसंद आएगा उसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये मैंने चने की दाल बनाई थी, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसलिए बनाती हूँ। ये मेरी सास की बहुत फेवरेट है इसलिए ये मैंने बनाए थे। उसके बाद फिर हम लोग सब साथ में एक जगह बैठकर इफ्तार करते हैं। तो पहले मैं अपने किचन के बाहर एक छोटा सा दस्तखान लगा कर सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। जब सब चीज़ें अच्छे से बन जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो उसके बाद हम लोग जाके बैठते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। और ये देखिए ये हमारी पूरी फैमिली का इफ्तार है। अलहमदिल्ला सब लोग साथ में इफ्तार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान